वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका किशोर सर और ये है आपका अपना चैनल न्यूक्लिक फोरम। हम थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं जो कि वर्टन पे बेस्ड है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो थोड़ा सा टफ है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये जो सीक्वेंस वाइज चल रहा है, अभी ये है हमारा 6th नंबर का न्यूमेरिकल और ये थोड़ा सा टफ हो गया है क्योंकि चलो देखिए ना, बता देता हूँ मैं कैसे। सबसे पहले तो हम गिवन डेटा कैलकुलेट, गिवन डेटा लिखते हैं। क्या आएगा गिवन डेटा में, थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट वर्क डन, ठीक है। तो ये वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, डिनोट करेंगे W से, क्वेश्चन मार्क। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ NH4NO3, क्या होता है NH4NO3? अमोनियम नाइट्रेट, ठीक। तो क्या दिया आपको साथ में ना, वेट, WEIGHT, इंतजार वाला वेट नहीं। सो वेट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 डिनोट करेंगे W से, कितना दिया है, इट्स 132 ग्राम, ठीक है। एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको दिया है टेम्परेचर जो कि सेल्सियस में है, तो कन्वर्ट करना होगा, इट्स 100 डिग्री सेल्सियस और ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 373 केल्विन। अभी इतना कुछ फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक रिएक्शन दिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिवन रिएक्शन इज, क्या दिया रिएक्शन, NH4NO3 एंड ये सॉलिड है, फिजिकल स्टेट लिखना ना भूले। सो अमोनियम नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स यू N2O गैस प्लस ट्वाइस H2O गैस, दोनों गैसियस स्टेट में, ठीक है, बढ़िया। स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, अब आपको वर्क डन कैलकुलेट भी करना है और साथ में ये भी बताना है कि सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम पे वर्क हुआ, है ना। वेदर वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हुआ या सिस्टम ने वर्क किया। चलिए अभी इसे सॉल्व कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। अब ये न्यूमेरिकल ना लेंदी, थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NgRT, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस गैशियस रिएक्टेंट। ये वाला R तो पता है हमें, टेम्परेचर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला लगेगा और हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट एक दिक्कत है और वो दिक्कत क्या है कि उसने नंबर ऑफ मोल्स, ये वन मोल के लिए रिएक्शन दी है पर पूछा है 132 ग्राम के लिए, दिख रहा है वहां पे, ये देखिए उसने कहा है कि 132 ग्राम का अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ, वो डिकम्पोज होने के बाद में वर्क डन कितना हुआ वो बताइए, ठीक है। अगर वो 132 ग्राम नहीं होता तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाता था, हम डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लेते, आर पता है वैसे भी, टेम्परेचर दिया है, वैल्यू पुट कर लेते, डब्ल्यू आ जाता। बट अब यहाँ पे एक दिक्कत बढ़ गई और वो दिक्कत क्या है, तो सबसे पहले हमें ये जो वन मोल के लिए रिएक्शन दी है, ये वन मोल में अमोनियम नाइट्रेट का मास कुछ और है और आपको पूछा गया कुछ और मास के लिए, तो हमें सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। तो उसके लिए मैं तीन चीज़ें कर रहा हूँ, सबसे पहले हम इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और तीसरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, मोलर मास ऑफ NH4NO3 रिएक्टेंट का ही लेना है, डिनोट करेंगे कैपिटल M से। चलो कैलकुलेट करते हैं नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ नाइट्रोजन का मोलर मास 14, हाइड्रोजन का 1 है, रैसे 4 है, अगेन नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 3 48, है ना। चलिए 4 4 4 ये 12 12 और 8 20, कैरी 2 4 2 6 6 2 8 80, तो ये 80 ग्राम हुआ, ठीक है ना। ये समझ में आया ना कैसे, 14 + 4 + 14 + 16 × 3, ऐसा वो पढ़ेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट्स में जब एंट्रेंस का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ किसके, NH4 NO3 सॉलिड के। कैसे डिनोट करते हैं, N से। हाँ, कैसा फॉर्मूला है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलिए वैल्यू पुट करिए, वेट कितना है 132 ग्राम, ये मैंने लिखा है ऑलरेडी, मैं ग्राम नहीं लिखता हूँ। डिवाइड मोलर मास कितना है स्टूडेंट्स, 80 ग्राम। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 8 8 1 8, देन 8 बचे कितने, हाँ 5 बाय 1 1 8 6 है ना, 48 पॉइंट पर ये जीरो है ना, ये पॉइंट यहाँ पर 65 आएगा है ना, हाँ हाँ 1.65 आएगा। कर लीजिए कैलकुलेट, ऑलमोस्ट यानी 99% तो चांसेस है मेरा गलत नहीं रहता है, कभी हो जाएगा तो बता दीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1.65 मोल्स आ गए, ठीक है। अब ये 1.65 मोल्स का आपको ये रिएक्शन कंसिडर करना है, सो फॉर 1.65 मोल्स, 1.65 मोल के लिए ये रिएक्शन क्या आएगा, 1.65 NH4 NO3 सॉलिड, इट गिव्स यू, ये वन मोल ही मिला ना, तो इसे वन मोल से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1.65 N2O गैस प्लस ये टू मोल्स मिले तो ये हो जाएगा 2 × 1.65 H2O गैस, समझे अभी। तो इस तरह से कैलकुलेट करना होता ही है। अब हम क्या करते हैं ना, ये 1.65 को तो आपने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिए क्योंकि ये इक्वेशन है वन मोल के लिए और आपको कैलकुलेट करना है 1.65 मोल्स के लिए। ये 1.65 मोल्स 132 ग्राम के लिए होता है, इसलिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है इतना। अब हमें क्या करना है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये होगा हमारा सेवेंथ पॉइंट, क्या, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, डिनोट करेंगे डेल्टा एन जी से। चलो बोलिए बच्चों, फॉर्मूला पता नहीं है ना आपको, हाँ, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स, ये हो गया, एंड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, ठीक है। और सिर्फ गैशियस के लेना है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट में कौन है, गैस, दोनों है, और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सम करना है तो 1.65 प्लस 2 × 1.65, ये हो गया प्रोडक्ट के, माइनस रिएक्टेंट में, अरे गैस तो कोई है नहीं, वो सॉलिड है, तो सॉलिड का नंबर ऑफ मोल्स क्या, जीरो, छोड़ दीजिए उसे। तो ये 1.65 प्लस, अब टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये 5 × 10 कैरी 1, 6 × 12 प्लस 1 13 कैरी 1 3 3.30, ठीक है। 1.65 प्लस 3.30, मैं ऐसा लिखता हूँ, 5 6 और 3 9 3 और 1 4 4.95 ये मोल्स, ये हो गया ना डेल्टा एन जी, ये आ गया। बस ये कैलकुलेट करने के लिए तो इतनी बड़ी तकलीफ थी, अब तो बहुत आसान है। अब मैं एट्थ पॉइंट लिखता हूँ, क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और ये होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। चलिए फिर, अभी तो सब आ गया हमारे पास में, अब बस कैलकुलेशन करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वर्क डन इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, है ना ये फॉर्मूला। चलो वैल्यू पुट करिए, डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना है, 4.95, जो कि होगा माइनस 4.95 इंटू 8.314 इंटू, और ये हो जाएगा 373 केल्विन। अब आप में से किसी को इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता क्योंकि 4.95 का टेबल नहीं आता, 8.314 का टेबल नहीं आता, 373 का नहीं आता, तो चलो लॉग कैलकुलेशन है ना हमारे लिए। तो ये देखिए, 4.95 का लॉग 0.6946, 8.314 का लॉग 0.9198, और ये याद कर लीजिएगा 9198, एंड 373 का लॉग कितना है 2.5720। अब तीनों मल्टीप्लिकेशन में तो हम इसका एडिशन करते हैं और एडिशन आता है आपका 4.1864,
अब 1864 है ना, 4.1864। तो अब इसका एंटीलॉग देखेंगे और एंटीलॉग आएगा आपका ये 15360। सो 15360 यूनिट जूल। क्यों? ये नंबर ऑफ मोल्स है, आर का यूनिट है ना जूल। टेम्परेचर तो केल्विन में है, गया वो केल्विन, केल्विन कैंसल, मोल मोल यूनिवर्स कैंसल, बचा जूल। अब इसे कन्वर्ट करते किलो जूल में, तीन डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करिए, तो 15.36 किलो जूल, दैट इज डब्ल्यू। ये किलो जूल में हो गया और ये डब्ल्यू जूल में हो गया। क्या कहते हो, कैसे हैं न्यूमेरिकल्स, है ना मज़ेदार? तो फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि 132 ग्राम के लिए पूछा गया है, इसलिए हमें ये इक्वेशन को 132 ग्राम कहाँ गया, ये 132 ग्राम दिया है, इसलिए हमें नंबर ऑफ मोल्स उसके निकालने पड़े जो कि 1.65 है। अगर 80 ग्राम बोलता था ना वो, तो फिर तो सेम रिएक्शन के लिए कर सकते थे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आज की इस वीडियो का ये न्यूमेरिकल नंबर 6। इसके बाद की वीडियो में हम दूसरे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो हो सकता है थोड़े से कुछ लिटिल बिट चेंजेस में हो। तो बने रहिए मेरे चैनल में, अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।